चैनल की भिशा, मैं हूँ गुंजन। सो ये वाला लुक मैंने वैलेंटाइन डे के लिए क्रिएट किया है, और अगर आपको ये लुक पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैंने ये वाला लुक सिर्फ और सिर्फ मेबलिन के प्रोडक्ट्स को यूज़ करके किया है, और मैंने कोई भी आई शेडो पैलेट नहीं यूज़ किया। मैंने बिना आई शेडो पैलेट के ये वाला आई लुक भी क्रिएट कर लिया, और बहुत ही ईजिली मैंने ये सिंपल सा पिंकी ग्लोई मेकअप किया है। बिगनर्स भी आसानी से कर सकते हैं, अगर आप वैलेंटाइन डे के दिन डेट पे जा रही हैं, या फिर किसी के साथ लंच है, डिनर है, आपका जो भी स्पेशल प्लान है उसके साथ ये वाला लुक काफ़ी अच्छे से जाएगा। और जो भी मैं प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपको मेंशन करूँगी उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और एक और बात मैं आपको बता दूँ, अमेजोन पे स्टार्ट हो रहा है मेगा फैशन सेल, 7 से 9 फरवरी तक है। तो अगर आपको अपने पर्सनल लव वन के लिए कोई गिफ्ट्स लेना है तो आप इस सेल का पूरा पूरा फायदा उठाइएगा, क्योंकि काफी अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स आने वाले हैं। इवन क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं, ह्यूज वैरायटी होती है, और अगर आप प्राइम मेंबर हैं तो आपको 1 डे डिलीवरी भी मिल जाएगी, इजी रिटर्न होता है, सो कोई चिक चिक नहीं होता है। सो चलिए अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। हे गाइस, सो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मेकअप। सो मैंने मेबलिन के ये सारे प्रोडक्ट्स लिए हैं ये वाले लुक को क्रिएट करने के लिए, और सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का बेबी लिप्स। दिस वन इज़ माय फेवरेट, ये है पिंक लॉलिटा, स्मेल बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे से लिप्स को मॉइस्चराइज कर देता है। तो मैं सबसे पहले अपने लिप्स को मॉइस्चराइज कर दूँगी, फिर स्टार्ट करूँगी अपना मेकअप। ठीक है, तो मेकअप स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं अपना आई मेकअप करूँगी, और ये गार्नियर का मैं यूज़ कर रही हूँ कंसीलर अपने आई बेस के लिए। अब मैं इसे ब्लेंड कर ले रही हूँ एक ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से, और उसके बाद मैं इस कॉम्पैक्ट से इसको सेट कर ले रही हूँ। यह है मेबलिन का फिटमी वाला कॉम्पैक्ट, ताकि मुझे कोई क्रीजेज नहीं आए। और उसके बाद मैं अपना आई मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं आई मेकअप के लिए लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, ये पिंक कलर का, काफ़ी प्यारा सा पिंक कलर है। ठीक है, इससे मैं ही अपना आई बेस का पिंक कलर तैयार करूँगी। अच्छे से मैं इसे ब्लेंड कर ले रही हूँ, क्रीम प्रोडक्ट है तो अच्छे से ब्लेंड करना है। कलर थोड़ा और पॉप आउट होकर के आया, इसलिए मैं एक और लेयर लिपस्टिक का लगा रही हूँ, और इस बार मैं अपने फिंगर से ही ब्लेंड कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का लास्टिंग ड्रामा जेल लाइनर, ये है ब्लैक कलर में, और मैं इसे अपने इनर कॉर्नर्स में भरूंगी। ये काफ़ी ज़्यादा जेट ब्लैक है और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है और स्मज प्रूफ है। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट जेल लाइनर है, तो मैं इसे अपने साइड कॉर्नर्स में लगाऊंगी, और सिर्फ मैं साइड में ही इसे ब्लेंड करूंगी। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ मास्टर क्रोम का ये वाला हाइलाइटर, ये है गोल्डन कलर का हाइलाइटर, और मैंने इसके बारे में काफ़ी अच्छा अच्छा रिव्यूज़ देखा था, और ये काफ़ी अच्छा हाइलाइटर है, गोल्डन कलर का है, और मैं इसे अपने इनर कॉर्नर से लेके मिड तक इसे ही एज अ शिमर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई भी आई शेडो पैलेट नहीं है और मैं जुगाड़ से अपना आई मेकअप कर रही हूँ। आपके पास भी अगर कोई प्रोडक्ट नहीं है तो आप भी जुगाड़ से आई मेकअप क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं अपना फेस मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ, तो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ सबसे पहले मेबलिन का फिट मी मैट प्लस पोरलेस प्राइमर। टू बी ऑनेस्ट गाइज, ये मैट लिखा था तो मुझे लगा ये काफ़ी मैट कर देगा, स्किन को ड्राई आउट कर देगा, लेकिन ये काफ़ी लिक्विडी था और मेरे फेस को बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं किया। ये मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मीन्स ड्राई आउट नहीं कर रहा है और बहुत हाइड्रेटेड था मेरा स्किन। अब मैं अपने सारे डार्क एरियाज़ को कंसील कर ले रही हूँ, मेरे पास कोई कलर करेक्टर नहीं है तो मैं यही गार्नियर का एज रिवाइंड कंसीलर यूज़ कर ले रही हूँ इन द शेड 130 मीडियम। ये शेड कलर करेक्टिंग के लिए तो नहीं है, लेकिन कंसीलर के लिए तो काम कर ही जाएगा। अब मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन इन द शेड 118, तो ये पंप में आता है तो मुझे लग रहा है ये शेड मैंने थोड़ा सा अपने लिए लाइट ले लिया है, तो मेरे पास एक और शेड है 220, तो मैं इसे स्वॉच करके देख लेती हूँ। तो आई थिंक ये वाला मेरे पे ज़्यादा अच्छे से जा रहा है, तो मैं यही वाला 220 यूज़ कर रही हूँ, 118 मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही वाइट हो जाएगा। जब भी आप फाउंडेशन लगा रहे हैं अपने कान और गर्दन को बिल्कुल भी मत भूलिएगा, नहीं तो फेस का कलर कुछ और गर्दन और कान का कलर कुछ और लगेगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगने वाला है। तो थोड़ा सा फाउंडेशन अपने कान और गर्दन में भी लगा के उसे अच्छे से ब्लेंड कर लें।
अब मैं ब्लश के लिए यूज़ कर रही हूँ ये मेबलिन का सुपर स्टे वाला 225 शेड है इसका, बहुत ही क्यूट पिंक है ये। और ब्लश हो गया मेरा, लिपस्टिक से ही सब जुगाड़ पे चल रहा है। सो अब मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, वही मेबलिन का मास्टर क्रोम मोल्टन गोल्डन कलर का है। अच्छे से मैं अपने हाई पॉइंट्स को हाईलाइट कर ले रही हूँ क्योंकि एक पिंकी ग्लोई लुक मैं आज क्रिएट कर रही हूँ वैलेंटाइन डे के लिए। सो मैं आपको याद दिला देना चाहती हूँ कि अमेज़ॉन पे स्टार्ट होने वाला है मेगा फैशन सेल 7 to 9 फरवरी, तो शॉपिंग करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो यही वाला हाईलाइटर से मैं अपने ब्रोबोन को भी थोड़ा सा हाईलाइट कर ले रही हूँ, अच्छा लगेगा। ओके सो नेक्स्ट अब बारी है आईब्रोज को फिल करने की। तो आईब्रो को फिल करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है तो फिर मैं यही पॉट यूज़ करूँगी और मैं थोड़ा सा काजल इस पर लगा के हाथ पे इस तरीके से स्मच कर लूँगी और अब जो ब्रश में बचा खुचा कलर है ना उससे ही मैं अपने आईब्रोज को फिल करूँगी तो बहुत नेचुरल लुक आएगा। मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का फिट मी वाला कॉम्पैक्ट और अब मैं इसे अपने पूरे चेहरे को सेट कर लूँगी। सो अब बारी है अपने आई मेकअप को कंप्लीट करने के लिए। सो मैं अभी नीचे अपने आई मेकअप को अच्छे से कंप्लीट कर रही हूँ, जैसे कि पहले मैं ब्लैक लगाऊंगी फिर पिंक लगाऊंगी और अच्छे से स्मच कर दूंगी ताकि मेरा आई लुक इन्हांस हो जाए। लैशेस के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का दी फॉल्सीज लैश लिफ्ट और ये है वाटरप्रूफ वाला। मैं इसे फर्स्ट टाइम यूज़ करने जा रही हूँ और ये जो इसका स्टिकर आता है ना इसके साथ, इसे अच्छे से संभाल के रखिएगा क्योंकि इस पे ही सारे मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट लिखा रहता है, अगर गुम हो गया तो फिर पता नहीं चलेगा प्रोडक्ट कब एक्सपायर हो रहा है। तो मैं अच्छे से अपने लैशेस को कोट कर ले रही हूँ। मुझे नहीं पता कि इसमें वॉशेबल आता है कि नहीं क्योंकि मुझे वॉशेबल मस्करा ज़्यादा पसंद है। सो जब मैं इसे यूज़ कर रही थी और पहले मेरा प्लान था कि मैं फॉल्सीज लगाऊंगी, लेकिन इसे यूज़ करने के बाद इसने मेरे आई लैशेस को इतने अच्छे से इन्हांस कर दिया कि मुझे फॉल्सीज लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मींस मैंने इसे फर्स्ट टाइम यूज़ किया और मेरा रिएक्शन वाओ था, मींस लिटरली बहुत अच्छे से डिफरेंस क्रिएट हो गया है मेरे दोनों लैशेज़ में। अब मेरे पास जो भी लिपस्टिक है मैं उनके स्वॉचेस दिखला दे रही हूँ। तो सबसे पहले जो मेरे पास लिपस्टिक है वो है ये मेबलिन का सुपर स्टे मैट इंक का शेड नंबर 225 डेलिकेट। नेक्स्ट है मेरे पास ये मेबलिन का क्रेयॉन वाला लिपस्टिक, ये वाला है सुपर स्टे इंक क्रेयॉन, इसका शेड है एंजॉय द व्यू 20। नेक्स्ट मेरे पास है ये सेट ऑफ फोर का लिपस्टिक, ये वाला है मेबलिन न्यूयॉर्क सेंसेशनल मैट लिक्विड मैट। सबसे पहला शेड है 02 सॉफ्ट वाइन, फिर मेरे पास शेड है NU02 स्ट्रिप इट ऑफ, ये बहुत ही प्यारा न्यूडिश पिंक टाइप का है। फिर मेरे पास है NU01 बेर इट ऑल, ये भी काफ़ी प्यारा कलर है। और जो लास्ट में मेरे पास शेड है वो है 06 बेस्ट बेब। बेस्ट बेब को ही मैं तब से यूज़ कर रही हूँ, पूरे वीडियो में मैंने बेस्ट बेब को यूज़ करके पूरा वीडियो बना लिया है और ये काफ़ी न्यूड पिंकी कलर है। तो मैं सोच रही हूँ कि 06 बेस्ट बेबी इस लुक के साथ क्रिएट कर लूँ क्योंकि यही वाला मैंने यूज़ किया है पूरे वीडियो में। ये बहुत ही क्यूट सा पिंक कलर है, न्यूडिश पिंक है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और ये वाला जो सेट है ना गाइस काफ़ी अफोर्डेबल है, मींस 300 के अप्रॉक्स 4 शेड मिल जाता है। सो डेली के लिए भी बहुत अफोर्डेबल है, बिगनर्स अगर पॉकेट ज़्यादा नहीं खर्चा करना चाहते हैं तो उनके लिए भी अच्छा क्योंकि 300 में 4 शेड आ जाएगा, वो भी मेबलिन का। सो अब मैं थोड़ा सा इधर उधर हाइलाइटर लगा ले रही हूँ एक एक्स्ट्रा ग्लो के लिए और अब मेरा लुक कम्प्लीट हो गया है। तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये लुक कैसा लगा।